राजस्थान में इस वक्त सियासी घमासान चल रहा है। वहीं अब राजस्थान के कोटा में एक विधायक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता और तेलंगाना के विधायक टी राजा के खिलाफ कोटा पुलिस ने केस दर्ज किया है। टी राजा को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कोटा पुलिस ने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल टी राजा महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने कोटा आए थे। उस दौरान धर्मांतरण से लेकर हिंदू राज्य तक उन्होंने कई बयान दे दिए। आपको बता दें टी राजा अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने भाषण में टी राजा ने कहा कि राजस्थान में लव जियाद के नाम पर धर्मांतरण किया जाता है। यूपी की लड़कियों को बहला फुसला कर राजस्थान लाया जाता है, फिर यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। राजा ने कहा कि राजस्थान में रामनवमी हनुमान जन्मोत्सव पर पत्थरबाजी होती है, लेकिन पत्थर मारने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में अब प्रदेश के लोगों को सोचने की आवश्यकता है। राजा ने यह भी भविष्यवाणी की कि 2025-26 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। राजा ने कहा कि हिंदुओं की एकता और संगठन की वजह से उनके राज्य में रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थरबाजी नहीं होती। वहीं ओवैसी को देशद्रोही और गद्दार बताते हुए राजा ने कहा कि वे अपने घर में छिपकर बैठ जाता है। और अपने भाषण में टी राजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कैंसर है। वहीं मामले की जांच कर रहे डीसीपी शंकर लाल ने बताया कि विधायक टी राजा की ओर से 40 मिनट तक दिए गए भाषण को पुलिस ने पूरा सुना है और एनालिसिस किया है। इसमें कई तरह की बातें धार्मिक और सौहार्द बिगाड़ने वाली थी। ऐसे में पुलिस ने विधायक के खिलाफ 153A 258 में केस दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।